हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। पंजाबी डिश चैनल विच तुहाडा स्वागत है जी। अज आपां बनाने आ जी मूंग दाल दा हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है ते बड़े सौखे तरीके नाल बन जांदा है। ते बनाने जी आपां मूंग दाल दा हलवा, देखदे किद्दां बनाने आ ते की इहदे विच आपां समान पाउने आ जी। ते बहुत ही सौखे जिहे तरीके नाल आपां बना के हर एक वीडियो दस्सी दी है जिहड़ी हर एक बना सके। ते ज़्यादा कोई औखा नहीं आपां इहदे विच तरीका वरती दा, ते ज़्यादा समान नहीं पाईदा, जिन्ना क अपने घर दे समान हुंदा बस उन्ने क समान दे नाल ही आपां वीडियो तैयार कर लैने। ये लिया जी मैं देसी घिओ, ये लिया थोड़े ड्राई फ्रूट, चीनी, दुध ते जिहड़ी मूंगी की दाल। ये मूंगी की दाल मैं 3-4 घंटे भेज दित्ती सीगी ते बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये आ जिहड़ी कौली विच मैं घिओ पाया, यही कौली मैं एक मूंगी की दाल की लई सीगी ते 4-5 घंटे इहनूं मैं भेज दित्ता सीगा ते बिल्कुल नरम हो गए। इहनूं आपां हुण पीस लैने आ। तो ज़्यादा बिल्कुल यदा बिल्कुल नहीं यदा पेस्ट जहा बना, थोड़ा दरदरा जहा रखना है। तो मूंगी की दाल जी आप भेंती उसी ना सॉफ्ट तो हो गई है, जल्दी पीस हो जाती है। तो यू आप पीस के रखते हैं। देखो जी मैं थोड़ा दिखा दिनी हाथ के नाल भी मसल के, देखो थोड़े थोड़े दाने जे रहने चाहिए माड़े माड़े ये। तो आप जी दाल पीस लिया है। तो उधर आप हूँ कड़ाही थोड़ा जहा घ्यो पा के जेडे अपने ड्राई फ्रूट उन्होंने आप फ्राई कर लैने। बनाने जी बहुत ही सौखे जे तरीके दे नाल आपां मूंगी दा हलवा। तो आ देखो मैं थोड़ा जिहा जिहड़ा घिओ, आपां एक कौली उही छोटी जी मूंगी दी लई सी दाल दी, उही एक कौली आपां घिओ दी लई आ ते उहनूं भेज दित्ता सी। भेण दे नाल मूंगी अपनी फुल गई आ, सॉफ्ट हो गई आ। तो आ थोड़े जिहा मैं ड्राई फ्रूट बदाम ते काजू लए आ, इहनां नूं आपां थोड़ा फ्राई कर लैने आ, काले नहीं करने, फ्राई करके आपां कढ लैने इहनां नूं। देखो फ्राई हो गए आ इह, तो इन्हों आप कढ लैने, बाद इन्हों थोड़े कट के तो पा देवे। तो बनाने जी आप मूंगी का हलवा बहुत ही सौखे तरीके दे नाल। ते अगर साड़ी वीडियो वधिया लगती होंगी तो प्लीज़ इन्हू लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, चैनल में सबसक्राइब कर दिया करो जी। तो आप जो ड्राई फ्रूट से आप कढ लए आ, तो घ्यो जो आप हूँ होर पा लेना ये सारा घ्यो पै जाना। मूंगी के हलवे के घ्यो बहुत पैंदा आ, तो ज़्यादा ही पै जाता जिनी अपनी दाल वो ज़्यादा पै जाता, पर आप घर खाना इस करके मैं थोड़ा जहा घट घ्यो पानी है। तो जिनी मूंगी सी उन्ना घ्यो मैं लिया आ, यह सारा पै जाना है। तो आ देखो मैं जेडे वो पेस्ट बना लिया से उन्होंने आप घ्यो झसते हैं चंगी तरह, घट सेक दे उत्ते घट्टो घट 20-25 मिनट इनू तुसी झसना आ। जिहड़ी अपनी मूंगी का हलवा बनाउण लगे ना पेस्ट वा, इनू घट तो घट भी 20-25 मिनट तुसी घट सेक दे उत्ते भुनना है, तो हलवा सही बनूगा। नहीं तो यह जे तेज़ गैस करूँगे तो सड़ जूगा, जे घट टाइम लाऊंगे तो यह कच्चा रह जाऊगा, टेस्ट यदा वधिया नहीं आऊगा। देखो पहला जो मैं उन्होंने भुनती सी किहो जिहा टैक्सचर सीगा, हुण देखो यदा जिहड़ी दाल अपनी बिल्कुल वह पेस्ट जिहड़ा कला कला हो गया आ, जिदा मूंगी का पाउडर हुंदा उदा का हो गया। तो इहनू आपां इदां थोड़ा मसल मसल के ना इहनू आपां भुनना है, ताकि इहदे विच जिहड़ी मूंगी दाल वा वो पेस्ट कितें इकट्ठा ना रहे, गठ ना पवे कोई। तो इनू आप दवा दवा के चंगी तरह इदा झसना आ घट तो घट 20-25 मिनट, तो यह अपनी जोड़ा हलवा आ वधिया बनूगा, नहीं तो यह कच्चा रह जाऊगा। तो जे तेज़ गैस करूँगे तो सड़ जाऊगा। वो वीडियो आप पूरी बना नहीं सकते, बहुत लंबी हो जाती, इस करके आप थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के दिखा देता है। तो देखो दाल अपनी जीड़ी आज चुकी, अपना जोड़ा मूंगी की दाल से भुज गया, मैं कौली में जी दिखाई है यही एक दाल की सी, यही एक घ्यो की सी। हुण आपां अपनी मूंगी की दाल जी भुज के देखो घ्यो उन्हें छड़ दिता है, तो घ्यो होर भी इस आप पा सकते, पर आप घर खाना इस करके मैं घ्यो जिहड़ा बस उन्ना ही पाया जिनी दाल अपनी। तो हुण इहदे विच आपां पाउण लगे दुध, तुसीं दुध की जगह पानी भी पा सकते हैं। तो मैं इहदे विच एक कौली मूंगी की सी, एक कौली घ्यो की सी, 2.5 कौलियां यही मैं पानी दुध दियां पाउण लगी हाँ। तो आ देखो उही कौली मैं लई आ, तुसीं कोई भी भांडा जिहड़ा अपना माप लो, कोई गिलास, कोई कप, कोई कौली, तो यह मैं 2.5 कौलियां जिहड़ियां इहदे विच दुध दियां पाउणियां। दुध पा के इहनूं फिर चंगी तरह रलाउणा आ, तां कि इहदे विच जिद्दां हलवे दे विच गठ्ठां बण जांदियां इहदे विच गठ्ठां ना बण। तो चंगी तरह इहनूं आपां घट सेक दे उत्ते हुण भी पकाउणा आ। तो हौली हौली इहनूं टाइम लगता थोड़ा जिहा बणने नूं, पर बणदा बहुत टेस्टी आ। तो हुण भी आपां घट सेक दे उत्ते इहनूं पकाउणा। उही कौली एक जिहड़ी मैं चीनी दी लई आ, आह देख लो एक कौली अपनी उहदी सीगी मूंगी दाल दी, तो उही एक कौली मैं जी चीनी दी लई आ। तो इहनू आपां हुण चीनी ने भी पानी अपना छड्डना आ, तो दुध जिहड़ा आपां पाया आ उहने भी मिक्स होना आ। तो देखो आपां इदां इहनू मसल मसल के जिहड़ा आ ते घट सेक दे उत्ते इहनू आपां पकाउणा आ। हुण इहदा रंग देखो चिट्टा लगदा आ,
तो जो इन तैयार हो जाना यदा कलर जोड़ा चेंज हो जाना है। पहला पीला सी हूँ दुध आप पाया हूँ फिर चिट्टा रंग यदा आ गया तो जो इन्हें पक जाना है तो यदा कलर जोड़ा अपना सही आ जाना है। तो देखो हूँ फर्क पै गया पहला दे नालों घट सेक दे उत्ते आप इन पकाने बस दबा दबा के उत्ते ते तां कि जिहड़ी विच कोई गठ ना रहे इन दबा दबा के तुसीं चंगी तरह इदा रला रला के इनू चंगी तरह मिक्स करना है। तो इदा ही अपना जिहड़ा दुध वा उह इहदे विच सुक जाना है। तो फिर थोड़ा जिहा जदों इह होर सख्त हो गया फिर ड्राई फ्रूट जिहड़े अपने को आपां उह वी इहदे विच पा देणे। देखो अगे नालों बहुत फर्क पै गया इहदा ते हलवे की शक्ल दे विच इह आ गया आ। तो हुण जिहड़े ड्राई फ्रूट आपां कट के रखे हो आ ते उह वी आपां इहदे विच पा देणे आ पा के उन्होंने भी मिक्स कर देना है। हौली हौली देखो बिल्कुल ऐन हलवे वांगू बन जाना इन्हें। तो मेरे को अज केसर है नहीं सी जे केसर हुंदा थोड़े जे चार क पत्तियां उहदियां दुध विच पा के उहदे पा दो उन्ना होर कलर इहदा चेंज हो जाता। तो देखो हुण उहने कढ़ाई छड्डती आ हलवा अपना ऐन तैयार हो गया आ। घट सेक ते मैं बनाया मैं बार बार दसदी 20-25 मिनट घट्टो घट इहनू पकाउणा घट सेक दे उत्ते। तो देखो जी आप बहुत ही सौखे जे तरीके हलवा बना के थोड़ा दिखा लिया थोड़े जे समान के नाल आप बनाया दुध नहीं पाना ना पाओ तुसी पानी पा के बना लो आप दुध पा के बनाया। मैं एक डोंगे दे विच कढ़ के थोड़ा पूरा हलवा दिखा दिनी हाँ जी बहुत ही सौखे जे तरीके आप बनाया तुसी भी बनाओ बना के कमेंट करके दसो थोड़ा हलवा किदा दा बनिया जी। वीडियो देखने सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे चैनल नूं सपोर्ट जरूर करो जी सानूं थोड़ी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत आ। मेरे तो कई दिन वीडियो नहीं पा होंगी कई जे मैं करके कोशिश करूँगी रोज़ वीडियो पाया करा। देखो बहुत वधिया दानेदार अपना हलवा जिहड़ा बन के तैयार होया तुसी भी बनाओ तो खाओ घर साफ सुथरी चीज़ बना के खाओ जी। वीडियो देखने लई धन्यवाद जी। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं।